कहेंगे कि किसान संगठन बैठा हुआ था। यहां पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहां पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है, यहां की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहां बेचते हैं, यहां से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहां के पंजाब के लोगों को भी यहां पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे, और यहां के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहां पे आते जाते रहेंगे। यहां पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बनाकर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं, वो बड़ाई मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन सरकारें चाहती हैं कि आंदोलन हिंसक हो, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है। तो हमको शांति बनाए रखना, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका, ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे, अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है। तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे, उसमें अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं, तो मुकदमे दर्ज पहले उन पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा, जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहां पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखें, इसमें लोग आते रहें जाते रहें, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहें, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें, जो दुकान है उनका भी ध्यान रखें, जो लोग यहां पाए हम उनको भी ध्यान रखें, और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।